अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं बक्सिम। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले भी ऑफलाइन दोस्तों के साथ। लेकिन आज की वीडियो बनाने का असल में मकसद ये है कि मेरी लास्ट वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मैंने लैपटॉप लेना है और लैपटॉप मैंने गेमिंग के लिए लेना है और वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है, तो मैं कौन से स्पेक्स वाला लैपटॉप लूँ। तो यार मैं उसी पे आज बात करने वाले हैं और बातों में दो बातें होंगी। पहले ये है कि भाई हमें लैपटॉप लेना चाहिए गेमिंग के लिए या नहीं, और दूसरी बात यह है कि भाई लैपटॉप लें तो उसका मतलब नुकसान है या फ़ायदा है, या किस स्पेक्स के लिहाज से हमें किस प्राइस में जाना पड़ेगा। तो जो प्राइस लिस्ट है वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, आप उस लिंक पे जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ यार मैं गेमिंग चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया, आप जाके वो भी देख लें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार सबसे पहले ये बात आती है कि हमें लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि हमें लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, खास करके गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर 10,000 तक अगर हम नॉर्मल मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, यूट्यूब को जस्ट यूज़ करने के लिए अगर हम बाय करते हैं तो वो खैर है, वो बंदा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप जब हम बाय करते हैं गेमिंग के लिए, वो बाद में बहुत बंदा डिसअपॉइंट होता है। वो इसलिए क्योंकि लैपटॉप आपको उतना आउटपुट नहीं दे सकता जितना एक कंप्यूटर दे सकता है। और दूसरी बात प्राइस की बात आ जाती है, क्योंकि लैपटॉप थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप बात करते हैं लैपटॉप्स की, गेमिंग लैपटॉप्स की, तो पाकिस्तान में इनकी प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन स्टार्ट होती है 70,000 रुपीज़ से। तो 70,000 रुपीज़ का आपका अच्छा भला एक CPU बन जाता है, और साथ साथ में आप अच्छा भला एक LED मोनीटर ले लेते हैं, गेमिंग माउस वगैरह ले लेते हैं। तो मतलब 70,000 रुपये में, 60-70,000 रुपये में आप पूरा सेटअप बना सकते हैं। जबकि 60-70,000 में आप एक लैपटॉप लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा, क्योंकि उस स्पेक्स के अगर आप CPU बनाते हैं तो वो तकरीबन 40,000 तक आ जाता है, 40 से 50,000 में। तो वही बात हो जाती है, 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लैपटॉप ही लेना है तो आपको नीचे लिंक जो है मैंने आपको बता दी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से लैपटॉप मिलने वाले हैं। जो सबसे सस्ता लैपटॉप मिलता है पाकिस्तान में, मतलब अच्छा यूज़ करने वाला है, न्यू की बात कर रहा हूँ, तो आपको लगभग 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है और आगे चलता जाता है। आप जहाँ तक भी लगा ले तो आगे चला जाएगा। बट बात यह आती है कि अगर आप बाय कर भी लेते हैं तो बाद में आपको क्यों डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्यों आप मतलब चाहेंगे कि भाई मैं इसको अभी सेल कर दूं और नया CPU ले लूं। बात यह आती है कि जब नई गेमिंग आती है, जाहिर बात है भाई ने पूछा कि गेमिंग के लिए लेना है और वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है, तो इन दोनों में गेमें भी नई आती है और जो पुरानी होती है वो अपडेट होती जाती है साथ साथ। तो जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी साथ साथ अपडेट करते जाते हैं। तो पहले बता दूँ कि वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हैं या गेमिंग करते हैं, तो इन दोनों में से ग्राफिक कार्ड जो है वो गेमिंग को चाहिए होता है, वीडियो एडिटिंग में ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ पड़ती है, लेकिन अगर तब पड़ती है जब आप ज़्यादा हाई वाले इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स। अगर विजुअल इफेक्ट्स ही नॉर्मल वीडियो एडिटिंग है तो आप तब नॉर्मली जो है आप लैपटॉप लेते हैं, आप उस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं नॉर्मल, बट गेमिंग लैपटॉप पे नहीं होती, नॉर्मल लैपटॉप पे खास तौर पे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं जिस तरह टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, या बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं जिस तरह Adobe प्रीमियम प्रो हो गया, उस तरह की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं नॉर्मल लैपटॉप पे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वीडियो एडिटिंग हो जाती है। क्योंकि मैं करता आ रहा हूँ तकरीबन 3 साल से, पिछले मैंने वीडियो एडिटिंग कोर टू डू पे भी किए, तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे। अगर आप कोर i5 भी लेते हैं 3rd generation तक का लैपटॉप तो कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला यह था कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसी तरह कि CPU पे, तो CPU पे काफ़ी इजीली आप अगर टाइम आता है कोई अपग्रेड होता है, गेम अपग्रेड होती है या गेम की स्पेसिफिकेशन वो मांगते हैं मिनिमम से ज़्यादा हो जाता है, तो आप इजीली उस अपने CPU को अपग्रेड कर सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, जो ग्राफिक कार्ड है वो चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। और अगर आपका लैपटॉप है तो आप उसमें ना रैम चेंज कर सकते हैं ना ग्राफिक कार्ड। हाँ एक चीज़ होती है जिसमें आप चेंज करते हैं, वो हार्ड डिस्क को SSD में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, हार्ड डिस्क को चेंज कर लेते हैं, और कभी कभी जो है रैम हमारी उसको भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन मतलब वही लैपटॉप को खोलना पड़ता है, सारा कुछ ओपन हो जाता है, उसके बाद वो बिकता भी नहीं सही से। लेकिन CPU की टेंशन नहीं होती, CPU की साइड से केसिंग बटन ऑन, बटन हटाओ और केसिंग निकालो, रैम वगैरह अपग्रेड करो, इसलिए आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने CPU को। एट दी एंड बात ये क्या आती है कि आपको फिर भी लैपटॉप लेना ही है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या आपको डायरेक्ट जो है प्राइसेस बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन में लिख नहीं सकता। तो फिर भी मैं बता दूंगा कि भाई कितने रेंज में कौन सा जो है लैपटॉप आपको मिला। लेकिन ओवरव्यू दे दूं, ऑलमोस्ट तकरीबन आपको 40,000 तक का i5 4th generation मिलेगा, और AMD की तरफ से आने वाला AM10th प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाएगा। i5 4th generation के साथ आपको लगभग 8 GB रैम या 6 GB रैम मिल जाएगी, और साथ में 1 TB हार्ड ड्राइव
या फिर 500 GB हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये चेंज हो सकती है, क्योंकि कभी हार्ड डिस्क होती है कभी SSD होती है, तो उसमें बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। SSD अगर मिली आपको 500 GB SSD ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि SSD काफ़ी अच्छी चला लेते हैं लैपटॉप को। उसके अलावा मैं बात आती है कि भाई वीडियो को मैंने बना दिया, आपने पूछा था, आपने कमेंट किया था, तो मैंने वीडियो बना दिया। अभी आपका काम बनता है वीडियो को देखने के बाद लाइक करने का, तो यार लाइक कर लो चैनल वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।